गाइस, क्या आप भी YouTube पे वीडियोस डाल डाल के थक चुके हैं और कहीं ना कहीं आपको ये लगने लगा है कि आप मेरा चैनल ग्रो नहीं होगा और मेरे को YouTube से चैनल डिलीट करना ही बेटर होगा। सो गाइस, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। कुछ ना कुछ अगर आपके मन में ये सवाल चल रहा है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दूंगा परेशान आके, तो जरूर से यार इस वीडियो को देखने के बाद आपको जरूर हेल्प मिलेगी, इतना मैं वारंटी के साथ बोलता हूँ। लेकिन गाइस, कुछ भी दिखाने से पहले जरूरी है प्रूफ दिखाना। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट 6 मंथ में मैंने अपना चैनल कितना ग्रो किया है। तो लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके रखा और आप यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइबर मैंने बढ़ाए हैं 17,000। सो गाइस, अब बात करते हैं कि मैंने कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से मेरा चैनल जो 6 मंथ में 17,000 पे पहुंच गया। और आज की डेट की बात करूं तो डेली 400 से 500 सब्सक्राइबर मुझे आते ही जा रहे हैं। टिप नंबर 1, आपको हमेशा YouTube पे ये बोला जाता है कि अगर आप अपने सब्सक्राइबर और व्यूज ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो आप ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करते हैं, जैसे किसी मोबाइल का रिव्यू या कोई मोबाइल लॉन्च हो रहा है उसके बारे में, तो वो आपसे पहले ही, कम से कम जब वो इंडिया में लॉन्च नहीं होता उससे पहले ही 5 या 6 महीने पहले उसकी अनबॉक्सिंग कर दी गई होती है। तो आप सोचिए, ऐसे में आपको कैसे व्यूज आ सकते हैं। अगर जियो का कोई रिचार्ज जा रहा है तो उसको बड़े से बड़े यूट्यूबर जो आपसे ज्यादा सब्सक्राइबर वाले पहले ही उस वीडियो को पोस्ट कर देते हैं, तो इस केस में आपके ट्रेंडिंग टॉपिक के ऊपर वीडियोज बनाने में कोई भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने वाले। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके सब्सक्राइबर बस कुछ ही देर में बढ़ जाते हैं, कोई एक आध वीडियो वायरल हो जाती है ट्रेंडिंग टॉपिक की, लेकिन वो कभी कभार होता है, डेली नहीं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि हमको जो ट्रेंडिंग टॉपिक कौन सा लेना है और कौन सी वीडियोस हमारी चलती रहेंगी। दोस्तों, सबसे पहले जरूरी होता है आप ट्रेंडिंग टॉपिक जरूर ले, लेकिन दोस्तों कोई मोबाइल निकल के आ रहा है या फिर कोई जियो का रिचार्ज निकल के आ रहा है उसके ऊपर आप वीडियो बनाएंगे तो मैं ये बिल्कुल ट्रस्ट के साथ बोलता हूं, भले ही आप यूट्यूब वीडियो बनाने वाले पहले हो लेकिन आपसे पहले भी 50 लोग वीडियो बना चुके होंगे। आप ट्रेंडिंग टॉपिक चूज करें, लेकिन टॉपिक कुछ ऐसा चूज करें जो कि एवरग्रीन टॉपिक रहे, मतलब कि सदा का सदा हरा ही रहे। जैसे कि आपने टेक फैक्ट को देखा होगा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिनको आप चूज कर सकते हो, जैसे कि टॉप 5 टॉप 10 के बारे में बताना, जैसे कि किसी साइंस के कोई इफेक्ट के बारे में बता देना, या फिर अलग अलग चीजें, दुनिया में कौन सी घटना कब हुई कैसे हुई, या फिर कुछ हॉरर भरी घटनाएं, कुछ इस तरह के आप टॉपिक बनाएंगे तो आप जो है दोस्तों बहुत बेटर रहेंगे एक ट्रेंडिंग टॉपिक बनाने से। जैसे मान लीजिए आपने एक पहेली का चैनल खोल लिया, देखिए आप चैनल खोलने के बाद जहां मर्जी वहां चले जाइए, आपका चैनल के ऊपर व्यूज हमेशा आते रहेंगे। लेकिन आपने जो एक ट्रेंडिंग टॉपिक सिलेक्ट किया कि जियो का रिचार्ज जो है 399 का आ गया है, तो वहां पे क्या होगा कि कुछ दिन तक व्यूज आएंगे, लेकिन जियो जैसा ही नेक्स्ट प्लान लॉन्च करेगा तो आपके जो वीडियो पे व्यूज है वो भी आने बंद हो जाएंगे और सब्सक्राइबर भी। तो इससे बेटर है सबसे पहले आप ये चीज सोचिए कि आप ट्रेंडिंग के ऊपर वीडियो बना रहे हो, उससे बेटर है कि आप कोई ऐसा टॉपिक चूज करें जो कि हमेशा चलता रहे, मतलब जिसकी वीडियो आज भी लोग देखना चाहें और आज के 5 साल के बाद भी उस वीडियो के ऊपर व्यूज आए। और ऐसी वीडियो अगर आपकी एक भी वायरल होती है तो मैं इतना श्योर हूं कि एक वीडियो ही आपको काफी होगी 1 लाख सब्सक्राइबर तक ले जाने के लिए। गाइस, आपने बहुत सारे यूट्यूबर से ये सुन के रखा होगा कि यूट्यूब पे 1 साल ठहरिए, 1 साल के बाद आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और आपके चैनल के ऊपर व्यूज सब्सक्राइबर आने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन आप रियलिटी जानते हैं क्या है? मान लीजिए आपने 5 वीडियोस अपलोड कर दी और उसको छोड़ दिया, क्या आपको लगता है कि 5 साल के बाद वो वीडियो आपकी ट्रेंडिंग भी चली जाएंगी या उन वीडियोस के ऊपर व्यूज आएंगे? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन बड़े यूट्यूबर ऐसा क्यों बोलते हैं कि लगभग 1 साल लगता है यूट्यूब चैनल को ग्रो करने में? दोस्तों, रियलिटी ये है कि 1 साल लगता है आपको यूट्यूब के एल्गोरिथम को समझने में, यहाँ पे आपको किस टाइप की वीडियोस अपलोड करनी है, कौन सी वीडियोस वायरल होंगी, कैसे हमको टाइटल देना है, किस टाइप का हमें थंबनेल बनाना है, उस चीज को समझने में बंदे को 1 साल लग जाता है। तो इसी केस में क्या होता है, बड़े यूट्यूबर जो है वो आपको ये बोल देंगे कि लगभग 1 साल रुकिए, 1 साल के अंदर जो आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। अगर दोस्तों ऐसी बात होती तो MJO, आप ही सोचिए कि वो 10 वीडियोस देने से इतना जल्दी ग्रो कैसे होता, वो तो 1 साल के अंदर 1 मिलियन पे पहुंच गया। टिप नंबर 3, कुछ नया लाओ। कुछ नया लाओ से मतलब ये नहीं है कि आप जो है नया कोई रिचार्ज लॉन्च हो रहा है या कोई नया फोन आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बोला, उसके ऊपर वीडियो बना के आपको कोई फायदा नहीं है। आपसे बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं जो कि उस टाइप की वीडियोस बना चुके हैं, आपको कुछ नया इस टाइप से लाना है। जैसे कि आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे How to, तो आप देखेंगे वहां पे एक अमेरिकन शायद वो चैनल है, तो आप देखिए वो नया क्या करते हैं। उनका काम है सिर्फ अपनी यूट्यूब वीडियो में तोड़फोड़ करना, और तोड़फोड़ करने से ही वो इतने ज्यादा चले गए हैं, वो आगे की तरफ भी फटाफट ही ग्रो कर रहे हैं। आप सर्च करके देखिए How to, यहाँ से आपको एक अंदाजा मिल जाएगा कि कुछ नया कैसे करें जो कि लोग देखना चाहते हो। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोग ऑलवेज कुछ ना कुछ नया देखना चाहते हो, भले ही वो कितनी अजीब क्यों ना हो। 4th टिप, सबसे मेन और सबसे बेटर टिप, देखिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर यहाँ तक देख रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन है, क्योंकि जो मैंने 3 टिप्स पहले बताई उनको कहीं ना कहीं आपको लगा होगा कि उन टिप्स में दम है, इसीलिए आप वीडियो को देख रहे हैं।
हो सकता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब का बटन भी नीचे दिया हुआ उसे दबा दें। तो बस आपको भी यही करना है, आपकी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कुछ इस तरह से शूट करना है कि जो भी आपकी वीडियो को देख रहा होगा वो आपकी वीडियो को छोड़ के ना जा पाए, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपका वॉच टाइम इंक्रीज होगा और आपको पता है कि वॉच टाइम जब इंक्रीज होता है तो आपकी वीडियो ऑटोमेटिकली जो है वो वायरल होती है, और एक बार वीडियो वायरल होगी तो आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर आ जाएंगे। बट ये सोचिए कि आपको वीडियो में ऐसा क्या करना है। देखिए, ऑडियंस रिटेंशन एक ऐसी चीज है जो कि हर एक यूट्यूब वीडियो में होती है। अगर आप 6 या 7 मिनट की वीडियो शूट करते हैं और वहां पे आप उसे 40 या 45% कर लेते हैं वॉच टाइम उस वीडियो के ऊपर, तो आपकी वीडियो 100% से ग्रो होगी, ये मैं वारंटी के साथ कहता हूँ। तो ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप क्या अपनी ऑडियंस रिटेंशन को कवर कर सकते हो, क्या आप अपनी वीडियो को इस तरह से बना सकते हो कि आपकी यूट्यूब वीडियो को कोई भी छोड़ के ना जाए। अगर आप जिस दिन ये कर लोगे उस दिन बेटर है कि आपको कोई भी चैनल ग्रो होने से नहीं रोक पाएगा। नंबर 5, मान लीजिए आपकी यूट्यूब वीडियोस पे कोई व्यूज नहीं आ रहा, कोई सब्सक्राइबर नहीं आ रहा, यहाँ से आप कंफ्यूज होते हैं कि आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे कोई व्यूज आ ही नहीं रहा, तो कौन सा ऐसा, मतलब जब देखने वाला ही कोई नहीं तो मैं कितनी बेटर वीडियोस अपलोड करूं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपके कंटेंट के अकॉर्डिंग जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनके फेसबुक पेज पे जाइए, वहां पे लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए और उन लोगों को अपने वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि उन लोगों को आपके वीडियो देखने में इंटरेस्ट होगा तो वो आपकी वीडियो जरूर देखेंगे। तो अगर आपकी वीडियो पे टोटली व्यूज नहीं आ रहे तो आप ये टिप भी ट्राई कर सकते हैं और कहीं ना कहीं आप इससे ग्रो हो जाएंगे। तो इन्हीं 4-5 बातों का जो मैंने आज तक ध्यान रखा है, जिसकी वजह से जो मैं ग्रो कर रहा हूं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कि डेली 400-500 सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ जाते हैं और आपका प्यार इसी तरह से बना रहता है। तो गाइस, अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी टिप्स मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। भगवान करे आपका दिन शुभ हो। टेक केयर एंड टाटा।